आज हम पढ़ेंगे सिंध नदी तंत्र में सबसे पहले हम देखते हैं सिंध नदी को। मेरे कहने तात्पर्य है कि हम इन नदियों को याद कैसे करें, और याद कर भी लें तो फिर उनका क्रम नहीं याद रहता है, और परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि इनका क्रम क्या है, उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है, दक्षिण से उत्तर क्रम क्या है, तो उसके लिए हमें बड़ा समस्या होती है। उसके लिए हम लेकर के आए हैं बहुत ही शानदार ट्रिक। तो हम देखते हैं पहले इस ट्रिक को, इस ट्रिक को कैसे हम यूज करते हैं। मैंने लिखा जे सी बी, जे से झेलम, जे फोर झेलम, सी फोर चेनाब, वी फोर ब्यास, और बीच में आ गया रावी। चलाता कौन है? रावी। इसे चलाता है रावी। अब हो गया, उसके बाद ये हो गया जेसीबी, और जेसीबी के ऊपर एस, जेसीबी के नीचे एस, ऊपर एस से सिंध हो गया, नीचे एस से सतलज हो गया। बस हो गया टॉपिक याद, हो गई नदियां याद, हो गया क्रम याद। अब देखिए, इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है सिंध नदी तंत्र की ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत के बाहर से हुआ है। तो ऊपर एस नीचे एस, दोनों बहने बहने, ऊपर वाली भी एस बाहर से आई है और नीचे वाली भी एस बाहर बाहर से आई है। उसके बाद एक क्वेश्चन इसमें ये भी पूछते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी नदी है जो भारत में ही उद्गम हुआ और भारत में ही विलय हो गई। तो ऐसी ब्यास नदी है जो भारत में ही उद्गम हुआ है और भारत में ही विलय हो गई। बस ओके टॉपिक है, अब नहीं कुछ बचा। अब शायद मैं आशा करता हूं कि आप इसको कभी भूलेंगे नहीं, और भूलेंगे तो जेसीबी को याद कर लेना और क्रम से लगा देना, पूरा पूरा याद हो जाएगा। जेसीबी के आगे एस, जेसीबी के पीछे एस, दोनों बहनें भारत से आई, और बस ब्यास जी, और ब्यास जी जो हैं वो भारत में ही होते हैं। ब्यास जी, क्योंकि वेद पढ़ने वाले ब्यास जी, ब्यास जी कथा कहने वाले ब्यास जी भारत में ही, यहाँ पे उनका उद्गम हुआ और भारत में ही विलय हो गए। भारत से ब्यास ही भारत से बाहर गए ही नहीं, याद कर लेना। ठीक, सब क्वेश्चन याद हो गए इससे। अब हम इस टॉपिक को यही विराम देते हैं।